भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर और प्रखंड के सरकारी गैर सरकारी और कोचिंग संस्थानों में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया, साथ ही केक काटकर शिक्षक दिवस का जश्न मनाया। दावा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नाटक नृत्य संगीत प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत की मुखिया सुषुम्नता कुशवाहा शामिल हुई। विद्यालय परिवार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मुखिया द्वारा भी विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया, साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ईश्वर कुमार यादव, शिक्षक अभिषेक छत्रप, जयनाथ चौधरी, विजय सिंह, सुधा कुमारी, अजीत सिंह, अब्बास अली अन्य मौजूद रहे। सुषुम्नता कुशवाहा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय एवं उनके विचारों से सभी को रूबरू कराया, साथ ही बच्चों को उनके जीवन में शिक्षकों की अहम भूमिका के बारे में बताया, अपने अनुभव को साझा किया। उधर ककिला गांव में सरस्वती ज्ञान मंदिर में शिक्षक दिवस पर समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार पंडित के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने एक साथ केक काटकर जश्न मनाया, साथ ही विद्यालय के छात्राओं ने शिक्षकों को उपहार भेंट किया। प्रधानाध्यापक राजकुमार पंडित, शिक्षक रिजवान खातू, नवद बिहारी, सुभाष कुमार, नेहा कुमारी, भोला पंडित, अमर कुमार, सुनीता देवी ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन और शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला। इधर कन्या मध्य विद्यालय जगदीशपुर में भी धूमधाम से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन हुआ। राधाकृष्णन के बारे में प्रधानाध्यापिका ने छात्राओं को बताया कि राधाकृष्णन का व्यक्तित्व, ज्ञान तथा चरित्र देश के लिए किए गए कार्यों शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए अनुकरणीय है। सभी शिक्षक राधाकृष्णन की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर नवाचार के तहत आज की कक्षा संचालन छात्राओं से कराया गया। प्रत्येक कक्षा में सभी विषयों का शिक्षण कार्य क्रमशः कोमल, सुधा, खुशी, रुचि, स्नेहा, राधा तथा रागिनी कुमारी ने किया। मौके पर शिक्षक चंद्रदेव कुमार सिंह, अशोक कुमार, वाल्मीकि ओझा, वीना सहाय, इंदु कुमारी, कुमारी सुगंधा मौजूद रहे। चलिए, बहुत बहुत सबसे पहले तो आज के दिन की सभी लोगों को बधाई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद में। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, विशेष रूप से प्रधानाध्यापक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले बच्चों का एक कल्चरल एक्टिविटी भी हो रहा था और सभी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने केक काटा थोड़ी देर पहले और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्पांजलि देते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद में इस कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया। अच्छा लग रहा है। बस एक ही मैं देना चाहूंगी कि स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति की तरफ मत लेके जाए। हमारे ही पंचायत में कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी बीते कुछ समय में, जिसको देखने के बाद में काफी दुख महसूस हुआ, पर आज आने के बाद वो सारी चीजें लगता है कि भूल जाने का मन करता है। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग स्कूल को पॉलिटिक्स बना रहे हैं, वो लोग स्कूल को पॉलिटिक्स मत बनाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए भेजते हैं निसंकोच होकर। हमको स्कूल पर वहां के टीचर्स पर विश्वास होता है, तब हम अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं। अपने बच्चों को की पूरी जवाबदेही उनको देते हैं, तो उस जवाबदेही को पूरा करने दीजिए उन लोगों को। बस यही उम्मीद हम लोग शिक्षकों से करते हैं कि हमारे बच्चों के आने वाले जो भविष्य हैं, उन लोगों के लिए वो अच्छे एक मार्गदर्शक साबित हो और अच्छा भविष्य बने। ठीक, बच्चों के लिए हम लोगों का यही संदेश रहता है, शिक्षक तो एक पथ है और इसके शिक्षक के ऊपर से भी अगर बच्चे जाते हैं तो शिक्षक उसमें खुशी ही महसूस करता है। और हम लोगों का सदा आशीर्वाद यही बना रहेगा कि बच्चे जहाँ जाएं आगे की तरफ मुखर होकर के जाएं और हम लोगों से भी उचित स्थान को प्राप्त करें और अच्छा मार्गदर्शन हो, अच्छा संस्कार उन्हें मिले, यही हम लोगों की हमेशा चाहत बनी रहती है। नियमित स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को क्या संदेश दीजिएगा? जी, हम लोग लगातार बैठक करते रहे हैं और जब भी जरूरत पड़ता है तो टोला सेवक के माध्यम से या फिर हमारे शिक्षक लोग गाँव में जाकर के गार्जियन से संपर्क करते हैं कि बच्चों को कृपया अपने भेजिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई यहाँ पे वो नहीं है। परिचय बता दीजिए सर। ईश्वर शरण यादव, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उत्कर्मित मध्य विद्यालय गाँव। दीदी, दादी, मलेरिया बुखार हो गई, कैसे ठीक हो? दवाई हुई ले परी, दवाई डॉक्टर।
₹500 भाई आपने मांगा मांगा तो पानी भाई 5 रुपए बोतल 15 रुपए बोतल मिलते हैं। चिंता की बात नहीं है।